हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट रिएक्शन वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहिए। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, पूछो क्या? हाँ हाँ कह दो, ये सब लोग हमारे साथ ही हैं। मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हैं? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली है। क्या बोला तूने? मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली है। निशाने पर हिंदू महिलाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। ये वही देश है जहाँ महिलाओं के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है। इनको कितना मजा आ रहा है, इनको अपना टाइम याद आ रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो बाबा महिलाओं के लिए ऐसी अपमानजनक बातें करता है, वही बाबा भक्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी सुनाता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, कुत्ता डीओजी डॉग, डीओजी डॉग दो प्रकार के। चलो बाबा जी, आपको कुछ तो इंग्लिश आती है क्या? कौन कौन, पालतू और फालतू? ठीक है समझ गया। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू के, पालतू की पहचान क्या? जो पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता वो बिना पट्टे के होता है। इतनी बकवास बात मैंने आज तक नहीं सुनी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा हमको सिखा रिया है? उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है, जो फालतू होता है वो बिना माला का होता है। कुछ भी कुछ भी, गजब टू भी आ जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तस्वीरें बागेश्वर बाबा के ग्रेटर नोएडा दरबार की है, जहां भक्तों के साथ बेरहमी की इन तस्वीरों ने हर किसी को सन्न कर दिया है। जरा देखिए बाबा के पालतू गुंडे कैसे एक महिला भक्त को सरेआम उठाकर फेंक रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे इस महिला को बागेश्वर धाम से कैसे बाहर निकाल के फेंका जा रहा है, जैसे कि ये कोई सामान हो।